हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए फोर कली पेटीकोट कटिंग करने का बिल्कुल अलग और आसान तरीका बताने वाली हूं, जिससे आप बस 2 मीटर कपड़े में कितना भी बड़ा और कितना भी हैवी साइज पेटीकोट बिल्कुल आराम से बना सकते हैं और आपका कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जो मैंने कपड़ा लिया है ये 2 मीटर कपड़ा लिया है और ये जो मैं बना रही हूँ, देखिए इसका मेजरमेंट है, कमर की जो गोलाई है 38 इंच है और लंबाई है 37 इंच। तो अक्सर देखिए 2 मीटर कपड़े में इस साइज़ का पेटीकोट हम बनाते हैं तो कपड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन आज मैं जो तरीका बताने वाली हूँ, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। तो टोटल कपड़ा देखिए मैंने अभी ये 4 फोल्ड में करते हुए रखा है, तो इसको देखिए ऐसे खोल कर डबल कर लेंगे, यानी कि देखिए कपड़े का ये लंबाई हो गया, लंबाई के साइड से इसे डबल है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो यहाँ पे देखिए हम चौड़ाई के साइड से यहाँ से बेल्ट पट्टी की कटिंग करेंगे। अक्सर देखिए लंबाई के साइड से कटिंग करते हैं कमर पट्टी की, लेकिन अगर कपड़ा कम हो और बड़ा साइज पेटीकोट बनाना हो तो देखिए यहाँ पे ऐसे चौड़ाई के साइड से ही कमर पट्टी की कटिंग करेंगे। अगर देखिए आपके पास 2.25 मीटर कपड़ा हो और कितना भी बड़ा साइज पेटीकोट हो, तो आप लंबाई के साइड से भी कमर पट्टी की कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। लेकिन कपड़ा कम हो यानी कि 2 मीटर ही हो और बड़ा साइज पेटीकोट बनाना हो, तो यहाँ पे देखिए ऐसे चौड़ाई के साइड से ही कमर पट्टी की कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 इंच में निशान लगाया है, यानी कि कमर पट्टी की जो लंबाई रहेगा वो 2 इंच का कटिंग करना है। तो 2 इंच का डबल करेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा, 4 इंच, और ½ इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा तो 1 इंच हो गया। अगर थोड़ा कमर पट्टी की लंबाई कम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 4.5 या फिर 4.25 इंच भी ले सकते हैं। और इस प्रकार पूरे में देखिए सेम निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं लगभग मैंने 4.25 इंच चौली पट्टी ये कटिंग कर लिया है। इसी में से देखिए हम कमर की गोलाई के हिसाब से कमर पट्टी कटिंग करेंगे। तो पहले इस प्रकार कपड़े को डबल करेंगे और फिर देखिए इसको ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे, यानी कि देखिए कमर की जो गोलाई है वो है 38 इंच, तो उसमें हम 4 इंच की लोजिंग ऐड करेंगे तो ये 42 इंच हो जाएगा। तो देखिए 42 इंच का ऐसे हाफ कर लेंगे क्योंकि कपड़ा डबल में है। तो देखिए मैंने 42 इंच का हाफ किया तो 21 इंच आया, तो यहाँ पे ऐसे 21 इंच ले लेंगे। तो देख सकते हैं 21 इंच और प्लस ये लगभग मैंने 1/4 इंच और एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे फोल्ड करने के लिए, और इसी निशान पे देखिए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो इतना ये मैंने फोल्ड करने के लिए लिया है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है, इतना ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको देखिए ऐसे बीचों बीच कट कर लेंगे तो इसमें से नारी बन जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कमर पट्टी की और ये नारी की कटिंग हो गया। अब देखिए जो कपड़ा बचा हुआ है इसको ऐसे डबल करते हुए रख लेंगे अच्छे से फैलाते हुए, देख सकते हैं ऐसे। अब देखिए हम यहाँ पे कमर का 1/4 लेंगे, यानी कि कमर का जो गोलाई है लोजिंग ऐड करने के बाद 42 इंच हो गया था, तो 42 इंच का 1/4 और प्लस 1/2 इंच दोनों साइड में सिलाई के लिए। तो देखिए ये निशान आप ये जो कमर पट्टी है इससे भी नापते हुए लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने देखिए लूजिंग ऐड करते हुए ये कमर पट्टी की कटिंग कर लिया है। तो इसको ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे, देखिए ये डबल हुआ और फिर से ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे तो कमर का 1/4 निकल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए ऐसे आप निशान लगा सकते हैं। और देखिए इसी कमर पट्टी को हम यहाँ पर ऐसे रखते हुए सेम निशान लगाएंगे, यानी कि सिर्फ सिलाई के लिए दोनों साइड से एक्स्ट्रा ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे इंची टेप की मदद से इसको इस प्रकार मिला लेंगे। और देखिए इसी निशान पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये चारों कली कट गया। अब देखिए कली को हम बराबर कर लेंगे, तो इस प्रकार इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, देख सकते हैं चारों कली को बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए एक के ऊपर एक रख देंगे। अब देखिए फिर से इसको ऐसे डबल कर लेंगे, यानी कि ओपन साइड से देखिए बिल्कुल ऐसे बराबर करते हुए अच्छे से फैलाते हुए रखेंगे तो ऊपर नीचे देखिए ऐसे कपड़ा तिरछा हो जाता है, तो इसको ऐसे कट करके बराबर कर लेंगे। देख सकते हैं जितना एक साइड से एक्स्ट्रा था तो उसको मैंने कट करके निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर लंबाई चेक करेंगे, तो पहले 1/2 इंच मैंने लिया है सिलाई के लिए और उसके बाद 2 इंच का कमर पट्टी हमें तैयार रखना है। तो 2 इंच को देखिए ऐसे बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर ऐसे पूरी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने देखिए ऐसे 37 इंच पे निशान लगाया है। अगर देखिए यहाँ से देखा जाए तो टोटल ये मैंने 35.5 इंच लिया है। तो देख सकते हैं ऐसे 35.5 इंच पे पूरे में निशान लगा लेंगे, तो इतना पे देखिए ये तैयार होगा पेटीकोट। अब देखिए नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे,
तो इस प्रकार 2 इंच या फिर 2.5 इंच आप यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने कपड़े के हिसाब से। तो ये मैंने 2.5 इंच लिया है। देखिए 2.5 इंच के बाद ये जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको ऐसे कट करके निकाल देंगे। तो देख सकते हैं कटिंग कंप्लीट हो गया, ये 4 कली हो गया, ये कमर पट्टी और ये नाड़ा। तो देखिए अगर कटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके मन में, कुछ भी समझ में नहीं आया हो अगर आपको, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के लिए देखिए मैंने 2 कली को लिया है, 2 कली मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कली का जो तिरछा साइड है यानी कि एक सीधा साइड और दूसरा एक तिरछा साइड, दोनों को ऐसे मैच करते हुए रखेंगे। देख सकते हैं ये तिरछा साइड है और ये सीधा साइड, तो इसको बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पलटते हुए रख देंगे और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ऐसे सिलाई करते हुए जॉइंट कर लेंगे। यानी कि देखिए 4 कली के पेटीकोट में एक तिरछा और एक सीधा साइड को ऐसे एक साथ जॉइंट करते हैं। देख सकते हैं ये दोनों कली आपस में जॉइंट हो गया। अब देखिए इसमें 3रा कली ज्वाइंट करेंगे, तो फिर से यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए ये सीधा साइड है, तो यहाँ पे देखिए 3रे कली का जो तिरछा साइड है उसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसे मैच करते हुए। देख सकते हैं ये तिरछा साइड है इसका, तो दोनों का तिरछा और सीधे को देखिए ऐसे मैच करते हुए रखेंगे और फिर से इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे और इस प्रकार देखिए पलटते हुए इसके ऊपर पूरे में ऐसे सिलाई कर लेंगे नीचे तक। तो इस प्रकार देखिए 3 कली ज्वाइंट हो गया। अब देखिए फिर से यहाँ पे ये सीधा साइड आ गया। अब देखिए हम 4था कली लेंगे और 4थी कली के तिरछे साइड को यहाँ पे ऐसे रखते हुए देखिए फिर से उसी प्रकार यहाँ पे पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये 4ों कली आपस में ज्वाइंट हो गया, ये 1ला कली हो गया, ये 2रा 3रा और ये 4था। तो 4ों कली को हमने एक साथ ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये जो हमने कमर पट्टी कटिंग किया है देखिए इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले देखिए यहाँ पे दोनों साइड में हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है नारा डालने के लिए। तो उससे पहले देखिए थोड़ा बराबर नहीं है तो इसको यहाँ से बराबर कर लेती हूँ। और बराबर करने के बाद देखिए इसको ऐसे डबल करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर हम कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पर साइड में हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से नापते हुए देखिए मैंने 4 इंच पे लगभग 1/2 इंच तक ये कट लगा लिया है। बिल्कुल कट के पास तक देखिए इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। यानी कि बिल्कुल इस प्रकार देख सकते हैं ऐसे पतला फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड में। अब देखिए कमर पट्टी को लेंगे और यहाँ पे ऐसे रखते हुए देखिए ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड से कमर पट्टी को मैंने देखिए जितना एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड कर लिया है और इस प्रकार देखिए ऐसे उल्टे साइड की तरफ रखते हुए यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए कभी कभी ज्वाइंट करते समय ये नीचे का घेर बढ़ने लगता है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए सिलाई कर लिया और मार्जिन अधिक लिया है तो देखिए ये कपड़ा बढ़ने लगता है। तो अगर वैसा प्रॉब्लम अगर हो जाए आपके साथ तो देखिए यहाँ पे ऐसे चुन्नट लगा सकते हैं छोटा सा, अगर बराबर ना हो ज़्यादा हो तो अंदर की तरफ चुन्नट रहेगा तो देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर है तो मैंने चुन्नट नहीं लगाया है, सिंपली सीधी सिलाई कर लिया है। तो देख सकते हैं ये कमर पट्टी ज्वाइंट हो गया। तो ज्वाइंट करने के बाद देख सकते हैं ये जो सिलाई मार्जिन है सीधे साइड में आ गया है। अब देखिए कमर पट्टी से इसको ऐसे ढकते हुए सिलाई करेंगे। तो पहले इसमें से देखिए 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर से देखिए इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए जितना ये सिलाई मार्जिन है इसको देखिए अच्छी तरीके से ऐसे ढकते हुए पूरे में किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे ऐसे। तो जिस दिन कमर पट्टी भी सिंगल सिलाई हो गया, अब देखिए इससे 1 फुट ऊपर ऐसे एक और सिलाई करेंगे। अब देखिए इसको ऐसे सीधा साइड अंदर करते हुए इस प्रकार डबल कर लेंगे और यहाँ पे साइड से ये ओपन है देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे सिलाई करते हुए इसको बंद कर देंगे। तो ये जो हमने साइड में फोल्ड किया है देखिए उसके लगभग 1 इंच ऊपर से ऐसे सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और पहले यहाँ पर देखिए अच्छे से ऐसे पक्का कर लेंगे और उसके बाद पूरा नीचे तक देख सकते हैं ये पूरे में ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस साइड से भी ये ज्वाइंट हो गया। अब देखिए इसको नीचे से फोल्ड करेंगे।
तो यहाँ पे चाहें तो आप देखिए फिर से इसे लंबाई चेक कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से जैसे मुझे यहाँ पे 37 इंच रखना है, तो देखिए ऐसे ऊपर से ऐसे 37 इंच पे निशान लगा लूँगी, देख सकते हैं ऐसे पूरे में निशान लगा लेंगे। और जितना ये कपड़ा एक्स्ट्रा है देखिए इसको ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे। देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं और नीचे से आपको अच्छे से फोल्ड करने नहीं आता, ये टेढ़ा मेरा हो जाता है, तो पहले देखिए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में देखिए ऐसे निशान बना लीजिए। ये देखिए जितना फोल्ड करना है उसको अंदर की तरफ करते हुए दूसरे हाथों से बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पकड़ लेंगे और हल्का सा यहाँ पे दबा देंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे निशान बन जाता है। और निशान से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है देखिए इसको ऐसे अंदर के साइड में करते हुए यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी देखिए ऐसे छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर के साइड में कर लेंगे और पूरे में इस प्रकार ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए नीचे से जब हम फोल्ड करते हैं तो कभी कभी ये लूज पड़ने लगता है, देख सकते हैं, तो कभी भी लूज पड़े तो हल्का सा यहाँ पे ऐसे आप चुनट बना सकते हैं अंदर के साइड में। तो चुनट बनाते हुए देखिए इसको ऐसे आप फोल्ड करेंगे तो नीचे से जो इसकी फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल भी देखिए टेढ़ा मेरा सिलाई नहीं होता है। अब देखिए इसको ऐसे सीधा करेंगे और सीधे साइड से लगभग 1 फुट नीचे इसके ऊपर एक और सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं ये नीचे से पूरा घेरा फोल्ड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे इसे नारा तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमने नारा के लिए कपड़ा कटिंग किया है देखिए ये 2 पीस में है, तो पहले इसको ऐसे जॉइंट लगा लेंगे। देखिए जॉइंट करने के बाद ये जो मार्जिन है इसे दोनों साइड में कर लेंगे ताकि यहाँ पर ये मोटा ना हो। और उसके बाद देखिए ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। देखिए कपड़ा चौला है तो थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से देखिए इसको ऐसे बीचों बीच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर देखिए ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए अगर आपको भी बड़ा साइज पेटीकोट बनाना हो तो बिल्कुल इसी प्रकार आप बनाइएगा, तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा और जितना बड़ा साइज आप बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने पूरा नारा देखिए तैयार कर लिया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये पेटीकोट बनकर तैयार हो गया है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है देखिए 37 इंच का है और इसका जो घेरा है लगभग 1.25 मीटर का तैयार हुआ है। अगर देखिए छोटा साइज पेटीकोट बनाना हो तो जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं पेटीकोट तैयार हो गया है। तो इस प्रकार आप बनाइए और ट्राई कीजिए। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।